हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नेतृत्व वाली सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि एक समान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिरी तबके तक पहुंचने के लिए सरकार ने सूखा शहर की स्थापना की है, साथ ही विकास कार्यों को भी मैं तेजी से लाने का काम किया गया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। वह अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षा परिणामों में कोर्ट का मैटर नहीं है, उनके परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक सरकार ने अपने बहाली कर दी है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1,500 देने की शुरुआत हो चुकी है। यह गारंटी 5 चरणों में 4 साल के अंदर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ रही है। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार इसमें मिशन में काम करेगी और इसी विधानसभा सत्र में नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले एक साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में सत्ता सुख के लेनी, सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। पहले दिन बनने के बाद सभी विधायकों ने कहा कि हम हिमाचल सदन में जाते हैं, हिमाचल भवन में जाते हैं, चंडीगढ़ हिमाचल भवन में जाते हैं, हमसे 300 रुपया लिया जाता है और जो आम आदमी आता है उसे 1,000 रुपया लिया जाता है। ये विधायकों ने उठाई मांग, ये किसी ने नहीं मांग उठाई। हमने उसी दिन फैसला किया कि सबको एक समान हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में जो कमरे का किराया है वो एक समान किया जाएगा, और हमने उसी दिन 1,200 रुपया जो उनसे लिया जाता था उसी दिन से कर दिया। ये व्यवस्था परिवर्तन का पहला उदाहरण था, ये पहले दिन का फैसला। उसके बाद मैं उन बालिका आश्रम में गया, मैंने मुख्यमंत्री मुकेश जी से अनुरोध किया कि आज हम सचिवालय नहीं जाएंगे। प्रक्रिया होती है कि वोट के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय जाए। मैं बालिका आश्रम के टूटी गंडी के उस बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा, वो कभी कोई मांग लेकर नहीं आते थे और हमने उनके लिए सुख आश्रय कोष की स्थापना की कि आने वाले समय में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया। नेट हमारी हुई सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बार बार हम पर उंगली उठाते थे कि अभी तक कैबिनेट नहीं हुई, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। कैबिनेट का विस्तार का मतलब ये था कि कई लोग ये चर्चा करते रहते थे कि सरकार बनेगी, कोई मंत्रिमंडल में टूटन होगा, ये होगा। हमने बोला आराम से कैबिनेट में विस्तार करें। एक महीने बाद जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, पहली कैबिनेट में हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। कई बार हम पर उंगली उठती थी कि लेट हो रहा है, एसओपी भी बन गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला दिया गया है। जैसे ही हमें पता लगा कि सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर बेचे जा रहे हैं और पेपर बेचने का धंधा ये काफी सालों से चल रहा था,
पिछली सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई। क्या हुआ, अपनी गलती को ढकने के लिए दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर करवाया और दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर डिक्लेयर करवाने के बाद रिजल्ट निकाल दिया। हमने 25 दिसंबर को पहला पेपर होना था, हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जाल बिछाया कि पेपर होने से दो दिन पहले ये पेपर बिकता है। उस जाल में वो जो पेपर और युवाओं के साथ धोखा करने वाले लोग थे उनको पकड़ा, और आज स्थिति यह है कि जो पेपर वहां पीछे से भी बिके हैं उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, उनकी भी रिपोर्ट आ रही है, जो भविष्य में होने थे उनकी भी रिपोर्ट आ रही है। उस आधार पर हमने कहा कि जिस संस्था ने ऐसा काम किया उस संस्था को हमने भंग किया। अगले 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्पोर्ट यूनिट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो अगले एग्जाम होने थे पिछलों की जिनकी इंक्वायरी चल रही है उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। तो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन स्पोर्ट यूनिट सिलेक्शन बोर्ड के जो हमारे अगले एग्जाम है 2000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने वहां अप्लाई किया हुआ है, उनका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वो एक महीने के अंदर उनका एग्जाम होगा और उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा, और जो पिछले हैं जिसमें कोई केस नहीं बनता उनके रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकालगा। यह व्यवस्था परिवर्तन है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।